गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स की। सो इसका सिंटेक्स देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का सिंटेक्स क्या होता है। हम लोगों ने फंक्शन कीवर्ड लिखा, फंक्शन का नाम लिखा, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3। पैरामीटर 3 में आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने लिखा पैरामीटर 3 इक्वल वैल्यू डबल कोट्स के अंदर। अब डबल कोट्स यहाँ इसीलिए मैंने लिखा बिकॉज मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखा जाएगा। आप चाहें तो एक इंटीजर वैल्यू भी लिख सकते हैं, इसके लिए डबल कोट्स देने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो एक एरे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो एक ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो सिंपली इसको डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट इसीलिए कहा जाता है जस्ट बिकॉज आपने यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट दे दिया है इस पैरामीटर के लिए, इसीलिए इसको, इस टॉपिक को नाम दिया गया है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये एक पैरामीटर, देखिए ये हमारा पहला पैरामीटर है जिसमें कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये हमारा दूसरा पैरामीटर है जिसमें कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये हमारा तीसरा पैरामीटर है जिसमें एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट दे दिया गया है। देन बाकी सारी चीज़ें सेम होती है, यानी कि कर्ली से आपका डेफिनेशन इसका ओपन होगा, देन यहाँ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे, देन इसका कर्ली से बंद। एक और सिंटेक्स देखिए कुछ इस तरीके से, फंक्शन आपने लिखा, फंक्शन कीवर्ड, देन फंक्शन का नाम लिखते हैं आप, देन आप लिखते हैं पैरामीटर 1, देन पैरामीटर 2, और पैरामीटर 2 का आप डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट दे देते हैं। इसके बाद यहाँ आप लिखते हैं पैरामीटर 3। तो इस केस में ये जो आपका, इसका डेफिनेशन मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा सा, ये जो है सिंटेक्स, यानी कि इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा मतलब सिंटेक्स वाइज ये गलत नहीं, इसको रॉन्ग सिंटेक्स कहना सही नहीं होगा, लेकिन आपको अनएक्सपेक्टेड वैल्यू मिल सकता है, या फिर एक तरह से देखा जाए तो आप इसको रॉन्ग सिंटेक्स भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं इसके बारे में तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल समझ लीजिए कॉन्सेप्ट इसका। देखिए जनरली होता यह है कि जब आप डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये नियम है कि आप डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमेशा लास्ट में लिखें। यानी कि आपने एक पैरामीटर लिखा जिसका डिफ़ॉल्ट आपने आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, फिर यहाँ पर आपने दूसरा पैरामीटर लिखा जिसका आपने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट दे दिया है, और यहाँ एक तीसरा आर्ग्यूमेंट लिखा आपने जिसका आपने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, तो इस केस में ये गलत हो जाएगा। आप हमेशा यही आपको कोशिश करना है, या फिर ऐसा कहूँ कि हमेशा आपको ऐसा करना है कि जो भी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट होगा उसको हमेशा लास्ट में लिखना है, यहाँ लास्ट में, जैसे यहाँ लिखा गया लास्ट में। आप एक बार आपने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट लिखना शुरू किया उसके बाद आप इस तरीके से विदाउट डिफ़ॉल्ट वाला पैरामीटर नहीं लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको एक एरर मिलेगा एक कंडीशन के तहत। कौन सा कंडीशन ये हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, बट ऐसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, आपके प्रोग्राम के लिए, आपके कोड के लिए हानिकारक हो सकता है। ओके, सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सिंपली कॉन्सेप्ट ये है, कंक्लूड करता हूँ मैं अपने स्टेटमेंट को। हमेशा याद रखिए कि जब अब एक बार अगर आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट देना स्टार्ट किया, उसके बाद जितने भी पैरामीटर्स आप लिखते हैं सभी में डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट आप दें। आगे बढ़ते हैं और इसी सेंटेक्स को मैंने आगे लिखा हुआ है यहाँ पर कंपेयर करने के लिए कि कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा रिपीट होगा हमारा सेंटेंस बट होपफुली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए इस तरीके से आप नहीं ले सकते, आपने यहाँ पैरा 1 लिखा, फिर पैरा 2 का आपने वैल्यू दिया, पैरा 3 का आपने कोई वैल्यू नहीं दिया, ऐसा नहीं लिख सकते। लेकिन आप ऐसा लिख सकते हैं, आपने पैरा 1 लिखा इसका कोई वैल्यू नहीं दिया है, पैरा 2 लिखा इसका आपने वैल्यू दिया है, इस तरीके से पैरा 3 लिखा वैल्यू दिया, इस तरीके से पैरा 4 लिखिए उसका वैल्यू दिए, पैरा 5 लिखिए उसका वैल्यू दीजिए, ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं कि आपने पैरा 2 का यहाँ वैल्यू दिया और पैरा 3 का यहाँ आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना। एक बार आप जब डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट देना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद जितने भी पैरामीटर्स आप दें सभी में डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट आप जरूर लिखें। सो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से हमारा डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट होता है और किस तरीके से आपको लिखना है और काम करना है। एग्जांपल फंक्शन कीवर्ड है हमारा, डिस्प्ले हमारे फंक्शन का नाम है, यहाँ पहला पैरामीटर है नेम 1, दूसरा पैरामीटर है नेम 2, और तीसरा पैरामीटर हमारा नेम 3 है जिसका मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू या फिर डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट दे दिया है गेकी सोर्स। इसका डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ मैंने लिख दिया सिंपली एको करना है नेम 1 में जो भी स्टोर है, 2 हमारा टेक्स्ट है, नेम 2 में जो भी स्टोर है उसको डिस्प्ले करना है, नेम 3 में जो भी स्टोर है उसको डिस्प्ले करना है, देन लाइन ब्रेक और सेमी कॉलन, और हमारा यहाँ से ये डेफिनेशन बंद। अब जब आप इसको कॉल करेंगे, कॉल करने का तरीका बिल्कुल सेम है, जिस तरीके से आप फंक्शन को कॉल करते हैं उसी तरीके से आप इस
वाले फंक्शन को भी कॉल करेंगे। यानी कि अगर आप इसको कॉल करते हैं इस तरीके से, मैंने लिखा डिस्प्ले और मैंने इसको आर्ग्यूमेंट दिया है वेलकम योर, तो इस केस में ये आपको आउटपुट देगा वेलकम टू योर गीकी सोस। कैसे देगा, कैसे इसका एग्जीक्यूशन होता है एक बार यहाँ देख लीजिए, देन हम लोग कोड में भी देखेंगे। जब ये कॉल होता है तो ये क्या करता है कि इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। जब ये इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो इसका जो पहला आर्ग्यूमेंट है ये असाइन हो जाता है नेम वन में, दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है ये असाइन हो जाता है नेम टू में। सो जब आप जब इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है तो ये क्या करता है कि नेम वन में क्या असाइन है, वेलकम, तो ये वेलकम डिस्प्ले करता है। टू जो कि टेक्स्ट है तो एज इट इज़ यहाँ टेक्स्ट की तरह दिखाई देता है। नेम टू में क्या असाइन, योर, तो आपको यहाँ योर दिखाई देता है। और नेम थ्री के लिए आपने कोई भी यहाँ से आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है तो ये अपने डिफॉल्ट वैल्यू को, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को यूज़ करता है और नेम थ्री की जगह आपको दिखाई देता है गीकी सोस। क्लियर है? लेकिन यही अगर आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि आपने तीन पैरामीटर, तीन आर्ग्यूमेंट के साथ इसको कॉल किया, आप इसी फंक्शन को तीन आर्ग्यूमेंट के साथ अगर कॉल करते हैं तो उस केस में क्या होता है, जब आप जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो फिर से ये फंक्शन कॉल होगा। जब ये फिर से कॉल होगा तो ये जो वेलकम है आपका पहला आर्ग्यूमेंट, ये नेम वन में जाकर असाइन होगा, नेम टू में जाकर असाइन होगा आपका योर यानी कि दूसरा आर्ग्यूमेंट, और नेम थ्री में ये तीसरा जो आर्ग्यूमेंट है ये नेम थ्री में जाकर असाइन होगा। देखिए डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट तभी काम आता है जब उसके लिए आप यहाँ से कोई आर्ग्यूमेंट पास ना कर रहे हो, या अगर आप यहाँ से कोई आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, यानी कि जहाँ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वहाँ से कोई आर्ग्यूमेंट अगर आप पास करते हैं, तो उस केस में इस पास किए हुए आर्ग्यूमेंट की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है जो कि रिप्लेस हो जाती है इस डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट से। और यहाँ नेम थ्री के जगह पर क्या हो जाएगा, ये PHP यानी कि गीकी सोस की जगह पर ये PHP आ जाएगा। यानी कि जब भी आप नेम थ्री प्रिंट करेंगे तो आपको PHP दिखाई देगा, जिसकी वजह से ये क्या होता है, जब ये एग्जीक्यूट होता है तो नेम वन की जगह वेलकम, टू टू एज इट इज़, नेम टू में योर है तो योर दिखाई देता है, और नेम थ्री में गीकी सोस के बजाय आपको PHP दिखाई देता है बिकॉज इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो आपको यहाँ PHP आकर दिखाई देता है। इन केस आप एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, इस केस में आपको एक एरर देखने को मिलेगा। देखिए रिक्वायरमेंट है एक दो, मिनिमम टू आर्ग्यूमेंट इसको चाहिए ही चाहिए, आप मैक्सिमम थ्री दे सकते हैं लेकिन मिनिमम इसको टू आर्ग्यूमेंट चाहिए। अब इसको टू आर्ग्यूमेंट चाहिए और आप इसको सिर्फ एक दे रहे हैं तो आपको एक एरर मिलेगा टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स का। चलिए कोड में चलते हैं और इसी चीज़ को वहाँ कोड में लिखेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे वन बाय वन। सो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, कैसे लिखना है, फंक्शन कीवर्ड पहले लिखना है, देन डिस्प्ले हमारे फंक्शन का नाम है तो मैंने डिस्प्ले लिख दिया, देन हमारा यहाँ पैरेंथेसिस और बिटवीन पैरेंथेसिस पहला पैरामीटर होगा हमारा, मैंने लिख दिया नेम वन, दूसरा पैरामीटर मेरा है नेम टू, और तीसरा मेरा पैरामीटर होगा नेम थ्री जिसका मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू दूंगा, तो मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ दे रहा हूँ गीकी सोस। और इसमें हमारा यहाँ से हमारा डेफिनेशन स्टार्ट, तो मैं एको कर देता हूँ नेम वन को, यहाँ हमारा डबल कॉट्स, और यहाँ नेम वन टू नेम नेम टू, और यहाँ हम लोग अपना तीसरा पैरामीटर डिस्प्ले कर लेंगे जो कि है नेम थ्री। सेमी कॉलन देना है इसमें, हम लोग एक न्यू लाइन दे देते हैं और यहाँ इसे हम लोग कॉल कर लेते हैं। तो मैं कॉल करने के लिए हम लोग डिस्प्ले यानी कि जो हमारा फंक्शन का नाम है उसे हमें लिखना पड़ेगा, तो मैंने डिस्प्ले लिखा देन पैरेंथेसिस और यहाँ हमें आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं दो आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ जो कि है वेलकम और दूसरा हम लोग पास करेंगे योर। इस केस में आपको जो आउटपुट मिलेगा वो मैं सेव करके आपको दिखा देता हूँ। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको हम लोग रिफ्रेश करें तो हमें यहाँ दिखाई देता है वेलकम टू योर गीकी सोस। ओके, ये आउटपुट कैसे मिल रहा है इसको ज़रा सा एक बार फिर से देख लीजिए, हालांकि हम लोगों ने अभी थ्योरी में देखा है कुछ देर पहले, मगर फिर भी यहाँ भी देख लीजिए। देखिए जब ये लाइन एग्जीक्यूट होता है तो कंट्रोल यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होता है, ये नेम वन में जाकर असाइन होता है आपका आर्ग्यूमेंट वन जो कि वेलकम है, नेम टू में जाकर असाइन होता है योर जो कि आपका दूसरा आर्ग्यूमेंट है, और नेम थ्री में बाय डिफ़ॉल्ट हमने एक वैल्यू देकर रखा हुआ है। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होता है तो नेम वन में क्या असाइन है, वेलकम, तब को यहाँ वेलकम दिखाई देता है, टू आपका टेक्स्ट है तो एज इट इज़ दिखाई देता है, नेम टू में क्या असाइन है योर, तब को यहाँ योर दिखाई देता है, और नेम थ्री में डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारा है गीकी सोस, तब को गीकी सोस दिखाई देता है। इसी को अगर आप तीन
आर्गुमेंट के साथ कॉल करते हैं। मैंने इसको कॉपी किया, देन मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ एक और हम लोग आर्गुमेंट दे देते हैं जो कि है PHP। सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसको हम लोग दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। इस केस में ये होता है कुछ इस तरीके से कि पहला जो आपका आर्गुमेंट है ये जाकर असाइन हो जाता है इस पहले पैरामीटर में, दूसरा जो आर्गुमेंट है वो दूसरे पैरामीटर में, और तीसरा जो आपका आर्गुमेंट है ये तीसरे पैरामीटर में जाकर असाइन होता है। ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर केवल तभी इस्तेमाल किया जाएगा जब यहाँ से इसको कोई वैल्यू सेंड नहीं किया जाएगा। जब यहाँ से कोई वैल्यू आप सेंड करते हैं तो उस केस में इस वाले की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है और ये इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को रिप्लेस कर देता है। सो जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो नेम वन की जगह आपको वेलकम, टू एज इट इज़, नेम टू में योर तो योर दिखाई देता है, और नेम थ्री में जो यहाँ से पास करते हैं वो PHP आपको यहाँ से दिखाई देता है। इसी तरीके से अगर आप इसमें एक वैल्यू देते हैं, मान लीजिए कि सिर्फ एक वैल्यू यहाँ से भेजा जाता है, मैं दोनों को ही कट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग हटा देते हैं, या फिर इसको पूरे को यहाँ से हटाते हैं, और यहाँ से हम लोग इसको, अगर आप एक सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो उस केस में आपको यहाँ एक एरर देखने को मिलेगा जो कि कहेगा टू फ्यू, देखिए टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन डिस्प्ले। सो याद रखिएगा कि इस तरीके से अगर आप लिखते हैं, आपने तीन लिखा हुआ है तो पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर और तीसरे पैरामीटर के लिए आपने लिखा हुआ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाले पैरामीटर को छोड़कर बाकी जितने भी पैरामीटर बचेंगे उसके लिए आपको यहाँ से आर्ग्यूमेंट पास करना ही पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शनल है बट इसको यहाँ से आपको पास करना है, यानी कि रेस्ट पैरामीटर जो होंगे, यानी कि जिसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है उसको, उसके लिए आपको यहाँ से डिफ़ॉल्ट वैल्यू या फिर डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास करना ही पड़ेगा। अब एक बात समझिए, मैं छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि इसका आप रियल वर्ल्ड में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मे बी ये रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल ना हो सके, लेकिन एक कॉन्सेप्ट वाइज आपका जो सोचने का, हम लोगों का इंसान के तौर पर जो सोचने का तरीका होता है, वो आप उस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, एक एक डेटा है जिसमें हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, नाम कलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ से मैं कुछ चीज़ें चेंज करता हूँ। नाम हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं तो मैंने इसको नेम कर दिया। हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं फ़ोन, और कलेक्ट कर रहे हैं एड्रेस, ठीक है। एड्रेस में मैंने डिफ़ॉल्ट दे दिया, मेरा जो कस्टमर है, मेरा जो एप्लीकेशन का कस्टमर है, वो बाय डिफ़ॉल्ट सभी के सभी इंडिया में रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस जो है वो इंडिया दे दिया। अभी जब भी यूज़र मेरे पास आता है रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से भी इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये नेम, यहाँ से नेम थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ मैं, नेम इसको हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ से इसको फ़ोन कर देते हैं, और यहाँ से इसको हम लोग एड्रेस कर देते हैं। सो मेरे पास यूज़र आते हैं और मैंने उसका नाम पूछा, एक एक यूज़र आया मेरे पास, मैंने उसका नाम पूछा तो उसने कहा कि मेरा नाम है राज, तो मैंने राज इंट्री कर दिया, और मैंने उसका नंबर पूछा तो उसने मुझे अपना नंबर बताया। यह मैं फ़िलहाल इसको स्ट्रिंग के तौर पर पास कर देता हूँ, ये मेरा, ये उसका हो गया फ़ोन नंबर, ठीक है। अब मैंने उससे एड्रेस पूछा तो उसने कहा कि इंडिया, तो इंडिया बाय डिफ़ॉल्ट है, उसको मुझे लिख नहीं कर सकता नहीं है। सो मैंने इतना ही लिखा और मैंने इसको सेव करके अपने डेटाबेस में सेंड कर दिया। ये फ़िलहाल के लिए समझिए कि ब्राउज़र में हमारा ये डिस्प्ले हो जाएगा, तो आपको यहाँ दिखाई देगा राज टू, ये फ़ोन नंबर और ये इंडिया। यहाँ से टू हटा देते हैं, यहाँ टू की, ठीक है, टू का कोई मीनिंग नहीं बन रहा, तो टू हटा देते हैं हम लोग और सिंपली इसको रहने देते हैं कि इसमें हमारा नाम, फ़ोन नंबर और उसका एड्रेस दिखाई देता है। सो मैक्सिमम लोग इंडिया से हैं, तो मैंने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिया जिससे कि मुझे यहाँ बार बार उसका एड्रेस, यानी कि इंडिया इंडिया बार बार लिखने का आवश्यकता ना पड़े। मैं जानता हूँ कि चेंज क्या होने वाला है, मेरे कस्टमर का नाम चेंज होगा और उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस हमेशा इंडिया ही रहेगा, तो मैंने इसको डिफ़ॉल्ट में यहाँ दे दिया हुआ है। मुझे रिकॉर्ड में ये चाहिए, मैं उसको एंट्री नहीं करना चाहता हूँ बार बार, लेकिन मुझे उसको रिकॉर्ड में रखना है कि वो सभी लोग इंडिया से हैं। सो 10 लोग 20 लोग जितने भी यूज़र आते हैं सभी का इंडिया है, तो मुझे बार बार 10 बार 20 बार इंडिया लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी एज अ यहाँ आर्ग्यूमेंट, बिकॉज मैंने बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया। लेकिन कोई कस्टमर ऐसा आता है जिसका नाम है अली, ठीक है, इसका मोबाइल नंबर कुछ और है, मान लीजिए कि कुछ और है, ये मैंने लिख दिया, और ये किसी और कंट्री से है,
मान लीजिए कि ये यूएसए से, तो अब की बार आप इसको डिफ़ॉल्ट नहीं छोड़ सकते बिकॉज़ ये यूएसए से है, तो मैंने इसको यूएसए ऐसे लिख दिया, यूएसए मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसको मैंने सेव किया और अब की बार ये डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि यूएसए जाएगा, तो हमारा डेटा सही तरीके से सेव होगा, सही डेटा सेव होगा। सो इसको रिफ्रेश करें तो आप देखेंगे कि आपका जो नाम है वो नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका कंट्री, और इस तरीके से हमारा ये मतलब मुझे, मैं बस इतना आपको समझाना चाहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का क्या यूज़ हो सकता है इन रियल वर्ल्ड। जब आपको ऐसा लगे कि आपके एप्लीकेशन में कोई एक ऐसा वैल्यू है जो कि आपको बार बार लिखना पड़े, वो कभी कभी ही चेंज होगा, तो उसको आप यहाँ डिफ़ॉल्ट के तौर पर लिख सकते हैं, और जब कभी कभी चेंज हो तो इस तरीके से आप उसको पास कर सकते हैं मैनुअली। ओके, सो उस सिचुएशन में ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट आपका काम आ सकता है। अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं हम, मैं कोड को डिफ़ॉल्ट लाना चाहता हूँ, जो हमारा पहले से था उसी को वापस से। ओके, ऐसा था हमारा, हम लोग वापस से आ गए हैं। एक हम लोगों ने रॉन्ग सिंटेक्स देखा था अपने अभी कुछ देर पहले स्लाइड में। रॉन्ग सिंटेक्स ये कुछ इस तरीके से था कि यहाँ पर आप ये नेम टू कर देते हैं, यहाँ पर देखिए नेम, देखिए पैरामीटर वन आपने लिखा, ठीक है, पैरामीटर टू का आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिया, उसके बाद अगर आप यहाँ कुछ इस तरीके से लिखते हैं तो ये आप नहीं लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक बार अगर आपने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट देना स्टार्ट कर दिया, तो इसके बाद जितना भी आप लिखेंगे सभी में आपको डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है और कैसे प्रॉब्लम हो सकती है वह देखिए। ठीक है, अभी कितना हमारा पैरामीटर है, एक दो और तीन पैरामीटर, मैं यहाँ से तीन वैल्यूज़ पास करता हूँ, मैंने ये लिख दिया। अभी इसको हम लोग अगर सेव करते हैं, ये गीकी सोच नहीं लिखते हैं, ये नेम कॉन्फ्लिक्ट करेगा, मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, मतलब हमारे दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट करेगा, कोड वाइज ये सही है। मैं यहाँ गीकी सोच के बजाय लिख देता हूँ गूगल, ओके, या फिर हम लोग PHP पढ़ रहे हैं तो PHP लिख देते हैं। इसको सेव करें, और सेव करने के बाद इसको अगर आप रिफ्रेश करें यहाँ से, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, तो आपको आउटपुट यहाँ देखने को मिलेगा। सॉरी गेस, कुछ मिस्टेक है यहाँ, नेम वन नेम टू, और यहाँ भी हम लोगों ने नेम टू लिख दिया है, इसीलिए इसको सेव करते हैं, नेम थ्री यहाँ करते हैं, और इसको वापस से रिफ्रेश करते हैं। ओके, अभी हमें सही आउटपुट मिल रहा है, वेलकम योर PHP। देखिए ये कैसे मिल रहा है वो पहले समझ लीजिए, देन हमें ये समझ में आएगा कि क्या गलती है। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने कहा था कि अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो ये सिंटेक्स एरर होगा, जबकि हमें कोई भी एरर नहीं मिला है, बल्कि हमें आउटपुट मिल रहा है। कैसे मिल रहा है और क्या इसमें क्या गलती है, इस पूरे इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो समझिए। देखिए तीन आपने आर्ग्यूमेंट पास किया, तो पहला आर्ग्यूमेंट जाता है नेम वन के पास, दूसरा आर्ग्यूमेंट जाता है नेम टू के पास, ये डिफ़ॉल्ट से रिप्लेस हो जाता है, और तीसरा आर्ग्यूमेंट जाता है इस नेम थ्री के पास, और आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई देता है नेम वन से वेलकम, नेम टू से योर, और नेम थ्री से PHP। अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं, अगर आप कुछ इस तरीके से सोचेंगे कि यहाँ एक इसमें तो डिफ़ॉल्ट है, तो बाकी किसमें डिफ़ॉल्ट नहीं है, इसमें और इसमें, यानी कि मिनिमम दो वैल्यूज हमें पास करने हैं, तो मान लीजिए कि अगर मैं इस तरीके से कर दूं कि वेलकम योर, मैंने दो ही इसमें आर्ग्यूमेंट पास किया, जो कि एक यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा, इसके लिए तो डिफ़ॉल्ट है ही। अगर ऐसा सोचते हैं आप, इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, ये आपको एरर देगा जो कहेगा टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स। ऐसा नहीं होता है, होता ये है कि पहला जो आर्ग्यूमेंट है ये पहले वाले के पास, दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है ये दूसरे वाले के पास, और तीसरे के लिए आपने कोई भी आर्ग्यूमेंट यहाँ से पास किया ही नहीं है, जिसकी वजह से आपको यहाँ टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन आपको एरर देखने को मिलता है। सो ये प्रॉब्लम होती है, आपने एक्सपेक्ट किया कुछ और यहाँ आपको देखने को मिल रहा है एक एरर। सो ये प्रॉब्लम होता है इस सिंटेक्स के साथ, अगर आप इस तरीके से अपने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो। सो ऐसा आपको नहीं करना है, आप जब भी कोड अपना लिखेंगे तो वो क्लीन होना चाहिए, बाद में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को भी, नहीं ना तो यूज़र को, ना ही प्रोग्रामर को, ना ही आपके साथ जो काम कर रहा है उसको। सो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल करें, तो एक बार अगर आपने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट देना शुरू किया, तो उसके बाद आपको हमेशा डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट देना है उसके बाद के सभी पैरामीटर्स के लिए। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी कुछ और चीज़ें हैं इस डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट में,
उसको देख लेते हैं और वापस से थ्योरी में आते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ थ्योरी में आने से पहले, कि कुछ लोग यहाँ जो लिखते हैं इसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं, कभी कभी कुछ लोग इसको पैरामीटर कहते हैं, लेकिन टेक्निकली यहाँ जो लिखा जाता है उसको पैरामीटर और यहाँ से जो पास किया जाता है उसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं। लेकिन इसको लोग इंटरचेंज करके कभी लोग इसको पैरामीटर कहने लगते हैं, कभी इसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं, तो कभी इसको पैरामीटर, कभी इसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो उससे कोई मतलब नहीं बनता है, बस नाम है, अब जिस नाम से जिसको पुकारें। बट टेक्निकली जो फंक्शन के साथ यानी कि डेफिनेशन के साथ यहाँ लिखा जाता है उसे पैरामीटर कहते हैं, और यहाँ से जो आप पास करते हैं उसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ये करेक्ट है। अब आप चाहे जैसे इसको जहाँ सुने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। कुल मिलाकर कहूँ तो आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर सेम है आम बोलचाल में, लेकिन टेक्निकली थ्योरेटिकली ये दोनों अलग अलग माना जाता है। सो वापस आते हैं थ्योरी में। पीएचपी ऑल्सो अलाउज द यूज़ ऑफ एरेज एंड द स्पेशल टाइप नल एज डिफॉल्ट वैल्यू, यानी कि डिफॉल्ट वैल्यू के तौर पर, यानी कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के तौर पर आप नल भी लिख सकते हैं और आप एरेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये कोड है हमारा, फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नाम डिस्प्ले, देन नेम, फोन, एड्रेस इक्वल नल, यहाँ मैंने लिखा। और यहाँ आप देखेंगे कि डबल कोट्स के अंदर में आपको नल नहीं लिखना है। अगर आप डबल कोट्स के अंदर नल लिखेंगे तो वो एक स्ट्रिंग हो जाएगा, नल टाइप का वो नहीं रहेगा। सो ध्यान रखना है, जब भी आप नल देते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट तो वो आपको डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखना। इसका फंक्शन डेफिनेशन स्टार्ट, यहाँ हम लोग कोड लिखते हैं, और यहाँ ये बंद, देन फंक्शन का कॉल कर सकते हैं, देन ये आपका PHP क्लोज। इसी तरीके से ये तो नल के लिए हम लोगों ने देखा, इसी तरीके से आप चाहें तो एरे भी यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू में दे सकते हैं। कुछ इस तरीके से एरे कीवर्ड लिखना है, देन यहाँ जो भी आपका एरे का एलिमेंट्स है उसको आप यहाँ लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ आपको नल के साथ एक एग्जांपल, यही वाला सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको भी सेम आउटपुट मिलेगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लस मैंने यहाँ एक छोटा सा सिनेरियो बनाया है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा तो ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए कोड में देखते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है मेरे ख्याल से, बट मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। वही सेम कोड मैं लिखने वाला हूँ, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सबको हटा देते हैं और स्टार्टिंग से लिखते हैं फंक्शन कीवर्ड, देन फंक्शन का नाम डिस्प्ले, और पहला पैरामीटर हमारा है नेम, दूसरा पैरामीटर हम लोग देते हैं फ़ोन, और तीसरा पैरामीटर हमारा होगा विथ डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो कि हम लोग यहाँ देने वाले हैं नल। नल में आपको डबल कोट्स नहीं देना। यहाँ से हमारा डेफिनेशन स्टार्ट हो रहा है, तो डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एड्रेस, यानी कि तीसरा जो पैरामीटर हमारा है जो कि एड्रेस है, अगर ये इक्वल इक्वल होता है नल के, तो उस केस में आपको एको करना है सॉरी डेटा नॉट फाउंड सेमीकोलन। अगर ये नल नहीं होगा, यानी कि एड्रेस अगर नल नहीं होता है, तो उस केस में एल्स पार्ट में चला आएगा और एको करेगा योर नेम इज, जो भी नेम में आएगा वो, एंड योर नंबर इज, जो भी फोन में आएगा वो, देन सेमीकोलन, और बस इतना ही और कुछ भी नहीं। अब इसमें मैं आर्गुमेंट पास करता हूँ, मतलब कॉल करते हैं इसको, इसको पास करते हैं आर्गुमेंट, देन ये कोड आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सो फंक्शन को कॉल किया मैंने डिस्प्ले, और यहाँ पर हम लोग आर्गुमेंट पास करेंगे। मैं सबसे पहले दो आर्गुमेंट्स पास करके आपको दिखाता हूँ, नाम और मोबाइल नंबर। तो नाम है मान लीजिए राज, और मोबाइल नंबर एज अ मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ यहाँ से। आप चाहें तो इंटीजर भी पास कर सकते हैं, बट मोबाइल नंबर स्ट्रिंग में रखते हैं बिकॉज इसका कोई कैलकुलेशन तो करना है नहीं। तो 2, 5, 4, 6 या फिर कुछ भी 10 डिजिट या फिर जो भी जितने डिजिट का नंबर होता है उतने का आपने यहाँ पास कर दिया। इसको सेव करें और इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आपको दिखाई देगा सॉरी डेटा नॉट फाउंड। एक्चुअली में मेरा जो सिनेरियो है वो ये है, तो हमारे पास यूज़र है जो कि राज नाम का है, जिसका मोबाइल नंबर है, और उसने अपना कंट्री मैंशन नहीं किया, मतलब एड्रेस मैंशन नहीं किया, कंट्री एज्यूम कर लेते हैं कि कंट्री यहाँ मैंशन करना था, नहीं मैंशन किया, तो उस केस में उसको मिल रहा है कि सॉरी डेटा नॉट फाउंड। अगर वो अपना कंट्री मेंशन करे तो ही उसको उसका डेटा दिखाई देगा, ऐसा भी आप कह सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए, कि अगर कोई अपना कंट्री मेंशन करेगा तभी उसको दिखाई देगा। तो अगर चलिए कि इसको कंट्री मेंशन करवाते हैं, ये कंट्री मेंशन कर रहा है मान लीजिए इंडिया,
और इंडिया लिखना ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी लिखिए, ठीक है, इंडिया लिखा इसने। और अभी अगर ये रिफ्रेश करे इस चीज़ को तो इसको दिखाई देगा, योर नेम इज़ राज एंड योर नंबर इज़ इतना। तो कैसे ये पूरा काम कर रहा है ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए होता ये है कि जब आप तीन यहाँ से आर्गुमेंट पास करते हैं तो राज चला जाता है इस नेम के पास, ये मोबाइल नंबर चला जाता है इस फ़ोन के पास, और इंडिया चला जाता है इस एड्रेस के पास। इसका डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है नल, बट आपने यहाँ से पास कर दिया तो इसकी प्रायोरिटी हाई है, यानी कि नल रिप्लेस हो जाता है इंडिया से, ठीक है, नल रिप्लेस हो जाता है इंडिया से। ध्यान दीजिएगा, नल अब नहीं है, एड्रेस के पास अब क्या है, इंडिया है। तो जब इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है ये वाला, तो ये चेक करता है कि क्या एड्रेस इक्वल इक्वल नल है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है। क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है इसलिए ये एग्जीक्यूट नहीं होता, बल्कि एल्स पार्ट में चला आता है और आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है योर नेम इज़, जो भी नाम है यहाँ जो भी स्टोर रहेगा, इस केस में राज है तो राज, एंड योर नंबर इज़ फ़ोन में जो भी स्टोर है, यहाँ पर जो भी स्टोर है ये वाला, तो आपको वो दिखाई देता है। यानी कि जो भी कंट्री के साथ डेटा फिल करेगा उसको उसका डेटा दिखाई देगा, जो कंट्री के साथ डेटा फिल नहीं करेगा उसको सॉरी डेटा नॉट फाउंड मिलेगा। ये सिंपल सा सिनेरियो है। सो उस केस में आप इस तरीके का एप्लीकेशन, इस तरीके का कोड लिखते हैं। ओके, जैसे कि मैंने आपको नल के लिए नहीं प्रोग्राम समझाया, तो चलिए मैं आपको नल के लिए समझाता हूँ। जैसे कि अगर कोई कंट्री अगर नहीं फिल करता है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में राज जाता है यहाँ, फ़ोन नंबर जाता है यहाँ, और एड्रेस के पास अपना डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट यानी कि नल रहता है। तो जब इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है ये वाला, तो ये कहता है कि एड्रेस इक्वल इक्वल नल है, जी हाँ एड्रेस इक्वल इक्वल नल है, इसलिए ये कोड एग्जीक्यूट होता है और आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है सॉरी डेटा नॉट फाउंड। क्लियर है? सो सिंपली इसका सिनेरियो यही है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कि कोई कंट्री के साथ अगर डेटा देगा तो उसको आउटपुट मिलेगा, अगर कोई कंट्री के साथ डेटा आपको आपके एप्लीकेशन को प्रोवाइड नहीं करेगा तो उसको सिंपली दिखाई देगा सॉरी डेटा नॉट फाउंड। क्लियर है? ओके गाइस, सो बस इतना ही है, और एरेज के साथ भी आप इस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा और आप दिमाग लगाइए, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ कि आप एरेज के साथ इसका एक्सपेरिमेंट करें। बस इसी तरीके से जैसे कि एरे अगर आप यहाँ लिखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ जब पास करेंगे तो यहाँ से आपको एक एरे पास करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा गूगल सर्च कीजिए, और आप आसानी से उसको भी अचीव कर पाएंगे। तो वॉचिंग दिस वीडियो।